कहते हैं प्यार अंधा होता है, जो ना उम्र देखता है और ना बंदी से वो तो हो जाता है। राजस्थान के चूरू में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 3 महीने पहले मार्केट में हुई एक मुलाकात में युवक और युवती दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कोतवाली थाना इलाके के युवक और युवती दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। वार्ड 47 निवासी अमन ने बताया कि वार्ड 36 निवासी मनीषा से उसकी 3 महीने पहले मार्केट में एक जनरल स्टोर पर मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन युवती के परिजन इसके खिलाफ है और दोनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिस पर दोनों घर से निकलकर अब एसपी दफ्तर पहुंच सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अमन और मनीषा दोनों ही 9वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं। अमन ने बताया कि उनके इस रिश्ते से उसके परिजन सहमत है, जबकि युवती के परिजन लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद वह एसपी दफ्तर पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई। मैं वार्ड नंबर 36 की हूँ, मेरा नाम शहनाज अमन जी के साथ रहना चाहूँ, मेरा घर का धमकी दे रहा है मैंने मम्मी और मेरा घर का दादी दादा चाचा चाचा सब नाम साथ रहना चाहूँ। क्या मैं मेरी लिविंग मार दूंगी नाम सागर होना चाहूँ।